गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या इम्पॉर्टेंट टॉपिक पूना पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे या पूना समझौता के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, और जल्दी से जल्दी मेरे 10,000 सब्सक्राइबर कराएं ताकि मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक पूना समझौता। मैंने प्रश्न के रूप में लिख रखा है पूना समझौता। ठीक है, तो क्या है टॉपिक? पूना समझौता के बारे में स्पष्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण तथा हिंदुओं के मध्य एक समझौता 24 सितंबर 1932 में किया गया। किनके किनके मध्य समझौता हुआ? सवर्ण तथा हिंदुओं के मध्य एक समझौता हुआ। कब हुआ? 24 सितंबर 1932 में, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के किस नाम से जाना जाता है? पूना समझौता के नाम। पूछा जाए कब किया गया तो 24 सितंबर 1932 में। किस किस के बीच में किया गया? सवर्ण और हिंदू नेताओं के मध्य या हिंदुओं के मध्य। इसके अनुसार इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। देखिए, अंबेडकर के नेतृत्व में दलित वर्गों ने संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। अंबेडकर जी के नेतृत्व में दलित वर्गों ने संयुक्त निर्वाचन को स्वीकार किया। दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया। इसमें क्या किया गया था? जो दलित वर्ग था उनका पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया था। फिर क्या? कांग्रेस ने स्वीकार किया कि दलित वर्गों को प्रशासनिक सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। कांग्रेस ने क्या स्वीकार किया इसके अनुसार? कि जो दलित वर्ग के लोग हैं उनको प्रशासनिक सेवा में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। नेक्स्ट, प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए 147 सीटों का आवंटन किया गया, जबकि सांप्रदायिक में उन्हें 71 सीटें प्रदान की गई। जो दलित वर्गों के लिए सीटें थी वो कितनी निर्धारित की गई? 147, लेकिन प्रधान सांप्रदायिक रूप से उन्हें कितनी सीटें मिली? 71। ठीक है, मद्रास में 30, बंगाल में 30, बिहार एवं उड़ीसा में 18-18, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में 20-20, बम्बई एवं सिंध में 15, पंजाब में 8, असम में 7 दलितों के सीटें सुरक्षित की गई। अब इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार रिपीट करूंगी। मद्रास में 30, बंगाल में 30, बिहार एवं उड़ीसा में 18-18, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में 20-20, बम्बई एवं सिंध में 15, पंजाब में 18-8, असम में 7 दलितों के सीट सुरक्षित की गई। एक बार, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। सीटों का आवंटन जो हुआ था, मद्रास में 30, बंगाल में 30, बिहार एवं उड़ीसा में 18-18, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में 20-20, बम्बई एवं सिंध में 15, पंजाब में 8, असम में 7 दलितों के लिए सीटें सुरक्षित की गई। अभी आगे देखते हैं। फिर क्या है? वादा किया गया कि गैर मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित सीटों का एक निश्चित प्रतिशत दलितों के लिए आरक्षित किया जाएगा। किस चीज का वादा किया गया? ये जो गैर मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर एक निश्चित प्रतिशत में दलितों के लिए आरक्षित की जाएंगी सीटें। फिर वंचित वर्गों के लिए प्रांत एवं केंद्र विधानमंडल में मताधिकार लोथियन समिति की रिपोर्ट निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। जो फिर से देखिएगा, वंचित वर्गों के लिए प्रांत एवं केंद्र में विधानमंडलों में मताधिकार लोथियन समिति की रिपोर्ट के अनुसार, या जो लोथियन समिति की रिपोर्ट थी उसके अनुसार की जाएगी। व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के लिए स्थान सुरक्षित रखे जाएंगे। जो व्यवस्थापिका थी, केवल कानून व्यवस्था थी, उसमें अछूतों के लिए या दलित वर्ग, अछूत कहना गलत होगा, हरिजन या दलितों के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे, उनके लिए एक सुरक्षित स्थान रखा जाएगा। केंद्र, और प्लीज
ये किताब की भाषा है, मेरी कोई भाषा नहीं है। केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारत के सामान्य निर्वाचक वर्ग के लिए प्रदत्त 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की जाएंगी। किसके लिए आरक्षित की जाएंगी? दलित वर्गों के लिए। कितने प्रतिशत सीटें? 18%। सरकार ने पूना समझौते को सांप्रदायिक निर्णय का संशोधित रूप मानकर उसे स्वीकार कर लिया। सरकार ने क्या किया? पूना समझौते को सांप्रदायिक निर्णय का संशोधित रूप मानकर उसे स्वीकार कर लिया। तो चलिए एक बार हम फिर से फटाफट क्विक रिवीजन देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पूना समझौता डॉक्टर अम्बेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण तथा हिंदुओं के मध्य 24 सितंबर 1932 में किया गया एक समझौता किया गया जिसे पूना समझौता के नाम से जाना था। इसके अनुसार अम्बेडकर के नेतृत्व में दलित वर्गों ने संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया था। कांग्रेस ने स्वीकार किया दलित वर्गों को प्रशासनिक सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए 147 सीटों का आवंटन किया जाएगा जबकि सांप्रदायिक रूप में उन्हें 71 सीटें प्रदान करने का वचन दिया गया। मद्रास में 30, बंगाल में 30, बिहार एवं उड़ीसा में 18-18, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में 20-20, बंबई एवं सिंध प्रांत में 15, पंजाब में 8, असम में 7 दलितों के लिए सीटें सुरक्षित की गईं। वादा किया गया कि गैर मुस्लिम निर्वाचक क्षेत्रों का आवंटन सीटों का एक निश्चित प्रतिशत दलितों के लिए आरक्षित किया। क्या वादा किया गया? जो गैर, एक बार ये लाइन को फिर से देख लीजिएगा, गैर मुस्लिम निर्वाचक क्षेत्रों को आवंटित सीटों का एक निश्चित प्रतिशत दलितों के लिए आरक्षित किया जाएगा। वंचित वर्गों के लिए मध्य प्रांत एवं केंद्र विधानमंडल में मताधिकार लोथियन समिति की रिपोर्ट के अनुसार किया जाएगा। व्यवस्थापिका सभा में दलितों के लिए स्थान सुरक्षित किए जाएंगे। केंद्रीय विधानमंडल एवं ब्रिटिश भारत के सामान्य निर्वाचक वर्ग के लिए प्रदत्त 18% सीटें दलितों के लिए आरक्षित की गई। सरकार ने पूना समझौता को एक सांप्रदायिक निर्णय का संशोधित रूप मानकर उसे स्वीकार कर लिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक पूना पैक समझौता आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरे द्वारा जो भी कमी हो रही हो उसको प्लीज़ कमेंट डाउन करें ताकि मैं उसको आगे से सुधार सकूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जल्दी से जल्दी मेरे 10K सब्सक्राइबर करा दीजिए क्योंकि मुझे ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।